हाँ दोस्तों नमस्कार, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लॉज। आपने आज के पहले के वीडियो में देखा है टाइप ऑफ सेंटेंस। अब टाइप ऑफ सेंटेंस आप पहचान गए हैं, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स पहचानने की विधि भी आपको बताई जा चुकी है। जिस सेंटेंस में कोई भी कंजक्शन नहीं हो उसे हम सिंपल में रखेंगे, और जिस सेंटेंस में कोऑर्डिनेटर्स हो, आपने आपको कोऑर्डिनेटर की लिस्ट मिल चुकी है, वो कंपाउंड होगा, और जिस सेंटेंस में सबऑर्डिनेटर्स हो वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक, अब कॉम्प्लेक्स पढ़ने के पहले आइए हम देख लेते हैं आपको यहां पर। देखिए सेंटेंस क्या है, आप पहले पढ़ चुके हैं सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्रोवाइडिंग कंप्लीट सेंस, माने शब्दों का वह समूह जो कंप्लीट मीनिंग देता हो, पूरी मीनिंग देता हो, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक, अब ये सेंटेंस आपको, आपने देखा था चार प्रकार में बांटा गया था, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंपरेटिव, प्लस वन अगर करे ऑप्टेटिव। ठीक, अब वो पांच प्रकार के सेंटेंस में आगे आप ये भी पढ़ चुके हैं, एक और प्रकार भी पढ़ा जाता है आजकल, वो है सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो कि आज के समय में बच्चों के लिए बहुत ही विकट समस्या के रूप में जन्म ले चुका है। ठीक, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। खैर, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए आपको बताया जा चुका है जिस सेंटेंस में कोऑर्डिनेटर्स होंगे उसे आप क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे, और कोऑर्डिनेटर्स की लिस्ट आपको इसकी जस्ट पहले की वीडियो में दी जा चुकी है। आज अगर मैं फिर से कोऑर्डिनेटर सबऑर्डिनेटर बात करूंगा ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए अगर आपने वो वीडियो अब तक न देखी हो तो इसी वीडियो के नीचे लिंक दिया जा रहा है, उस वीडियो की एक बार अवश्य देखिए। ठीक है, तो जिस सेंटेंस में कोऑर्डिनेटर होगा उसे हम कंपाउंड बोलेंगे, जिस सबऑर्डिनेटर होगा उसे कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। कोऑर्डिनेटर सबऑर्डिनेटर होते क्या है, ये कंजक्शन होते हैं, ये दो ही प्रकार होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जिस सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आएंगे वो कंपाउंड कहा जाएगा, जिसमें सबऑर्डिनेटिंग आएंगे वो कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा। ठीक, और जिसमें कुछ भी नहीं आए उसमें क्या क्या होगा, वो सिंपल होगा। आइए एक एक करके एग्जाम्पल हम देखते हैं। अब देखिए ये तीन प्रकार आपके सेंटेंस हो गए, सिंपल सेंटेंस जिसमें कि कोई भी कोऑर्डिनेटर्स नहीं होगा, और कंपाउंड सेंटेंस जिसमें कि कोऑर्डिनेटर होगा, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें कि सबऑर्डिनेटर्स होगा। ये तो पहचानने की बात है, और आपको ये भी ग्रामर एग्जाम में वन मार्क के लिए आता है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप इसको एक बार देख लेंगे कि वन मार्क पाने के लिए आपको सर्टेनली निश्चित रूप से कोई डाउट ही नहीं इसमें है। वैसे ग्रामर की बुक्स में ढेर सारी परिभाषाएं बड़ी बड़ी दी गई हैं इसके बारे में, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन उन सबसे आसान तरीका आपके सामने ये है, सीधी बात है, आपने कोऑर्डिनेटर लिस्ट देख ली है, सबऑर्डिनेटर देख लिया है, जिसमें कोऑर्डिनेटर पाया जाएगा उसे आप क्या बोलेंगे, कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे, और जिसमें सबऑर्डिनेटर दिखाई देगा उसे कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, जिसमें कुछ भी ना हो सबऑर्डिनेटर और कोऑर्डिनेटर में, इन दोनों में कोई भी अवेलेबल ना हो तो आप क्या बोलेंगे, सिंपल। ठीक, आइए उसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल आप ले लेकर आए हैं। एग्जांपल क्या है देखिए, नंबर एक, अब यहां पर एग्जांपल देखिए, रमेश इज प्लेइंग कबड्डी। अब ध्यान देना यहां पर रमेश क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब यहां पर प्लेइंग है, कबड्डी ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में सिर्फ आपने एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट देखा, तो आपको सिंपल पहचानने के तरीका यह भी मिल गया। जिस किसी सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट, एक ही वर्ब, एक ही ऑब्जेक्ट आएगा उस सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, एक ही सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट बोल सकते हैं, जिसमें एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब आएगा उस सेंटेंस को क्या नाम देंगे, सिंपल देंगे। दूसरी बात, इसके पहले आप बताया गया इसमें कंजक्शन नहीं होता है, क्यों होगा भाई, कंजक्शन क्यों आता है, दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए, जब इसमें सब एक एक ही है आप जोड़ेंगे किसको, बात समझ में आया, तो आप जोड़ने का आवश्यकता नहीं, कंजक्शन मिलेगा नहीं, मतलब सिंपल में कंजक्शन नहीं मिलता। आप चाहे पहचान लीजिए वन सब्जेक्ट वन वर्ब से, चाहे पहचान ले इसमें कोई कंजक्शन नहीं है, जब कंजक्शन नहीं है तो ये तो न कोऑर्डिनेटर होगा न तो सबऑर्डिनेटर होगा,
माने इसमें कंजक्शन नहीं है। कंजक्शन कौन कौन से हैं? कोऑर्डिनेटर। इसमें कोऑर्डिनेटर दिख रहे हैं? बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, मतलब कंपाउंड नहीं है। इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, मतलब ये कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। तो हुआ क्या, ये सिंपल, वेरी सिंपल ना, बहुत सिंपल है ना, तो आप सिंपल हो गए। अब आइए सेकंड देते हैं। करण रैन वेरी फास्ट बट ही मिस्ड द ट्रेन। आगे देखना, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब। मतलब यहां पर सब्जेक्ट भी दो बार आ गया है, वर्ब भी दो बार आ गया है। इसका मतलब इसमें रिपीट हो रहा है ना, ये सिंपल तो नहीं हो सकता ना, सिंपल नहीं हो सकता। तब क्या होगा, यह या तो होगा कंपाउंड या तो होगा कॉम्प्लेक्स। अब ये कंफर्म कैसे करेंगे ये कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स है? सिंपल सी बात, आप जाइए ध्यान दीजिए, आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की लिस्ट दी गई है। तो आप देखिए कंजक्शन यहां पर है बट। अब ये सोच के बट क्या है, आप जाकर फिर देखिए, ये बट आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ये कोऑर्डिनेटर है। इसका मतलब पूरा का पूरा सेंटेंस क्या हो गया, कंपाउंड सेंटेंस हो गया। सोचिए कितना सिंपल है, बस आप लिस्ट को ध्यान रखिए, लिस्ट को ध्यान रखते ही आप समझ जाएंगे। आइए थर्ड देखते हैं। आई नो द मैन वाज वेरी, अब यहां पर एक मिस हुआ है, मैं लिख देता हूं यहां पर आपके लिए, ठीक है। आई नो द मैन हु वाज वेरी क्लेवर, मैं उस आदमी को जानता हूं जो कि बहुत ही चालाक था। अब देखिए, आई सब्जेक्ट है, वर्ब नो, यहां पर सब्जेक्ट या वर्ब जो है ना, ये वाज जो है ये वर्ब की कैटेगरी में आएगा। तो दो दो वर्ब आ गया, मतलब पक्का है कि ये तो सिंपल नहीं हो सकता। अब सिंपल नहीं हो सकता तो या तो कंपाउंड आप बोलेंगे या तो कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आई लेते हैं, ये कंजक्शन का काम कर रहा क्या, हु, और कौन सा कंजक्शन है, याद कीजिए आपको लिखा गया है सारे डब्ल्यू एस टाइप जो वर्ड होते हैं वो सबऑर्डिनेटर होते हैं, मतलब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। तो जब ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यहां पर अवेलेबल है, मतलब ये सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है, ये होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अच्छा हर देखिए, पूजा उड ड्राइव ए कार व्हेन शी वाज वेरी यंग। अब देखना, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, यहां पर ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, दो दो सब्जेक्ट दो दो वर्ब, सिंपल बिल्कुल ही नहीं हो सकता, क्योंकि जब दो दो है तो उन्हें जोड़ने के लिए कंजक्शन चाहिए। अब कंजक्शन यहां पर आया हुआ कौन सा, व्हेन, ये किस प्रकार का डब्ल्यू एस टाइप वर्ड है, और जहां पर भी डब्ल्यू एस टाइप वर्ड हूज हूम व्हेन व्हाई वेयर टिक ये आए, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ही होते हैं, मतलब ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। और जब ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, अब बताइए ये कौन सा सेंटेंस हुआ, ये भी हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके नेक्स्ट, नीरज वेंट टू स्कूल एंड स्टडीड इंग्लिश। ये देखिए, नीरज यहां पर सब्जेक्ट है, यहां पर वर्ब है, यहां पर स्टडीड वर्ब है। अगर ध्यान से देखें तो यहां पर एक सब्जेक्ट हिडन है, क्या होगा, नीरज वेंट टू स्कूल एंड ही स्टडीड इंग्लिश है, नहीं है कोई बात नहीं। वर्ब तो दो है, जब वर्ब दो हो गया तो सिंपल नहीं होगा, सिंपल नहीं होगा, ये या तो कंपाउंड बोलेंगे या तो कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, अब कौन सा बोले। आइए हम चलते हैं इसके कंजक्शन के पास। कंजक्शन कहां है, एंड है, और एंड क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटर है। और जब ये कोऑर्डिनेटर हो गया आप क्या बोलेंगे, ये तो कंपाउंड सेंटेंस है, मतलब सेंटेंस नंबर फोर कंपाउंड सेंटेंस हो गया, ठीक। नेक्स्ट, सिक्स्थ, बॉयज आर वेरी हैप्पी विद देयर रिजल्ट। ये देखना, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट भी सिंगल वर्ब भी सिंगल। तो यहां पर इसको हमें ऐड करने के लिए किसी भी प्रकार के कंजक्शन की आवश्यकता नहीं है। और कौन कंजक्शन की आवश्यकता कब नहीं पड़ती है, सिर्फ सिंपल में, मतलब ये सेंटेंस आपका जो सिक्स नंबर का सेंटेंस है ये आपका हो गया सिंपल सेंटेंस। ओके नेक्स्ट देखेंगे, सेवन,
As soon as I called him, he came at once. ये देखना, ये है सब्जेक्ट और ये है वर्ब, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, दो दो सब्जेक्ट दो दो वर्ब, नो सिंपल, कोई गुंजाइश नहीं, यहाँ सिंपल होने कोई गुंजाइश नहीं है, कोई चांस नहीं है। अब इसे हम क्या बोलेंगे, या तो कंपाउंड बोलने वाले हैं या तो फिर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। अब ये कैसे पता चले, आइए देखते हैं कंजक्शन। कंजक्शन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एज सून एज, ये देखिए एज सून एज, ये आपको लिखा के दिया गया है सबऑर्डिनेटर की कैटेगरी में, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की लिस्ट में आप एज एज सून एज ये देखे होंगे। तो जब इसमें सबऑर्डिनेटर आ गया तो फिर आपको क्या बचता है, सिर्फ ये बोलना है भैया ये आपका कौन सा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, यू डिड नॉट कम टू स्कूल, यू डिड नॉट कम टू स्कूल। अब इसमें क्या है, यहां पर है सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक ही सब्जेक्ट है एक ही वर्ब है, या यूं कह लीजिए एक ही सब्जेक्ट है और एक ही प्रेडिकेट है। तो जब सब एक ही एक है, इनको जोड़ने का आवश्यकता क्या है, जोड़ना तो वहां जाता है जहां पर दो लोग हों, दो चीजें हों, उनको आपस में जोड़ने के लिए किसी चीज का उपयोग करते हैं, गम का यूज करते हैं, लेई का करते हैं ना, स्टेपलर का करते हैं। यहां पर किसी भी स्टेपलर की आवश्यकता नहीं है, सब बिंदास अकेले अकेले हैं, इसलिए यहां पर किसी प्रकार की स्टेपलर मींस कंजक्शन नहीं चाहिए। और कंजक्शन नहीं चाहिए तो आप क्या बोलेंगे, भैया ये तो हो गया आपका सिंपल सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट, दो सी वाज वेरी फास्ट, सी मिस्ड द ट्रेन। ये देखिए सब्जेक्ट यहां पर है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, दो सब्जेक्ट दो वर्ब। अब जब दो सब्जेक्ट दो वर्ब तो सिंपल तो बिल्कुल नहीं, सिंपल कोई चांस ही नहीं है। अब ये होगा कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। अब देखते कंजक्शन कहां आया हुआ, इसका कंजक्शन आप यहां पर देखेंगे दो, आप देखें दो आल दो आपको कंजक्शन के रूप में लिखा कर दिया गया है। और अभी तक अगर वो वीडियो आप नहीं देख पाए हैं, नहीं देखे हैं, कोई बात नहीं, आपको ये वीडियो इस वीडियो के लिंक के नीचे मिल जाएगी। तो दो हो गया कंजक्शन, कौन सा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और जब यहां पर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ गया तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट एंड टेंथ सेंटेंस, आई वॉज स्टडिंग व्हेन व्हेन ही, यहां कर देता हूं व्हेन ही केम टू मी, I was studying when he came to me. मैं पढ़ रहा था जब वो मेरे पास आया। ये है आपका सब्जेक्ट, यहाँ पर है वर्ब, सॉरी ये वर्ब यहाँ पर है, और यहाँ पर केम क्या हुआ, वर्ब हुआ और ही सब्जेक्ट हुआ। यहाँ पर भी दो दो सब्जेक्ट दो दो वर्ब, तो क्या देखेंगे, कंजक्शन देख, कंजक्शन कहां पर when है, when my WS है, और WS मतलब ये सबऑर्डिनेटर है। और जब ये आपका सबऑर्डिनेटर हो गया तो आपको क्या बोलना है, ये सिंपल बोलना है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही है। क्लियर, तो अब तक आप लोगों ने यहां पर सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को अच्छे से समझ लिया एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट देखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, आप यहां देखिए यहां पर कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एग्जांपल दे जा रहे हैं, क्यों कॉम्प्लेक्स के, क्योंकि आज हमें क्लॉज पढ़ना है, क्लॉज कंफर्म करना है, उसके लिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यहां पर देखना पड़ेगा। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ने की पहले आइए हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखिए आई हैव ए कार विच इज रेड, ध्यान ये देना। अब ये सबसे पहले देखेंगे ये सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स में है, इसमें है कॉम्प्लेक्स में है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में है, यहां पर आपका देख रहे हैं सबऑर्डिनेटर भी है, दो दो पार्ट है। चलिए इसको हम तोड़ते हैं, इसको हम ब्रेक करेंगे, याद क्या करेंगे, तोड़ेंगे। अब ये देखिए आई हैव ए कार, फुल स्टॉप यहां पर करेंगे, यहां पर फिर विच इज रेड। अब ध्यान यहां देना अच्छे से, अब आपने ऊपर के सेंटेंस को तोड़ा, दो पार्ट मिले, आई हैड ए कार विच इज रेड,
तो आपको एक सेंटेंस यहां मिला, एक सेंटेंस यहां मिला, मतलब क्या आप ये कहना चाहते हैं कि एक सेंटेंस को तोड़कर दो सेंटेंस मिलेंगे? कभी नहीं। मतलब अब ध्यान ही देना, यहां पर पक्का ध्यान देना, बहुत ध्यान से। आई है ए कार, ये सेंटेंस है ही नहीं है। क्या है? सेंटेंस नहीं है। विच इज रेड, ये भी सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस का सेंटेंस तो ऊपर है, आई हैव ए कार विच इज रेड। तो एक सेंटेंस को तोड़ करके दो सेंटेंस नहीं बनेंगे, ये बल्कि सेंटेंस के टुकड़े हैं, पीस ऑफ सेंटेंस है, पार्ट ऑफ सेंटेंस है। ये क्या है? आई हैव ए कार, ये सेंटेंस नहीं है, बल्कि जो सेंटेंस ऊपर दिया गया था उसी का पार्ट है, उसी का टुकड़ा है। और ये विच इज रेड, ये भी उस सेंटेंस का टुकड़ा है, उसका पार्ट है। अच्छा, आप समझ गए? अब आपको आश्चर्य हो रहा है हम इसको सेंटेंस क्यों नहीं बोले। हाँ, अगर यही चीज आई है बेकार आपको अन्यत्र कहीं मिल जाए, कहीं भी लिखा मिल जाए, पढ़ने को मिल जाए, सुनने को मिल जाए, आप इसको सेंटेंस बोल सकते हैं, बिंदास बोलिए, मुझे कोई परहेज नहीं। लेकिन इस सेंटेंस के सामने आपने इसका क्या किया? तोड़ा, इसको दो पार्ट में किया। अब जब दो पार्ट में कर रहे हैं तो कभी भी भूल करके इसको सेंटेंस का नाम मत देना, बल्कि इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, जो आप पढ़ने जा रहे हैं, सी एल ए यू एस ई क्लॉज। ये हो गया सी एल ए यू एस क्लॉज, पास में। तो क्लॉज क्या हो गया? क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, क्लॉज इज ए पीस ऑफ सेंटेंस, क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट हैविंग कंप्लीट सेंस। ध्यान देना, माने किसी सेंटेंस का वह पार्ट, किसी सेंटेंस का वह टुकड़ा जिसकी कंप्लीट मीनिंग हो, जो मीनिंग कंप्लीट दे पाए, माने आप उसमें देख कर बता सकते हैं, सब्जेक्ट पाएंगे, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब तो पक्का पाएंगे पाएंगे, और आप ये बता सकेंगे कि कौन सा टाइप का सेंटेंस है, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है, कौन से टेंस में है। सारी जानकारियां आपको यहां से भी मिल जाएगी, यहां से भी मिल जाएगी। है पार्ट, है पीस, है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट इट इज गिविंग ए कंप्लीट सेंस, इट इज अ सेंसफुल। माने आप यहां परिभाषा याद रखिए, क्योंकि आगे और काम आने वाला है। माने व्हाट इज क्लॉज? क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, क्लॉज इज ए पीस ऑफ सेंटेंस, क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स Having complete sense। अब यहां पर having complete sense क्यों बता रहा हूं, अब ये हम कंफर्म कर देते हैं। देखिए, तो मतलब ये हो गया। अच्छा, एक चीज और देखिए, I have a red pen in my bag। अब यहां देखना एक चीज, अभी मैंने इस रेड पेन को ले लिया, ध्यान देना, रेड पेन क्या है? रेड पेन इज पार्ट ऑफ सेंटेंस, रेड पेन इज पीस ऑफ सेंटेंस, बराबर है ना, और रेड पेन इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये रेड पेन जो है पार्ट ऑफ सेंटेंस भी है, पीस ऑफ सेंटेंस भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, लेकिन ये क्लॉज नहीं है। क्लॉज क्यों नहीं है? बट बिकॉज इट डजंट हैव एनी कंप्लीट सेंस। अब रेड पेन में देख कर बताऊं इसमें सब्जेक्ट किधर है, नो आइडिया। कौन से टेंस में है, नो आइडिया। कौन सेंटेंस है, नो आइडिया। अब यहां समझना, एक आपने पढ़ लिया यहां पर क्लॉज और एक पढ़ लिया यहां पर फ्रेज। ध्यान दो, क्लॉज और फ्रेज में क्या समानता है, क्लॉज और फ्रेज में क्या सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी ये है, क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, फ्रेज इज पार्ट ऑफ सेंटेंस, क्लॉज इज ए पीस ऑफ सेंटेंस, फ्रेज इज ए पीस ऑफ सेंटेंस, क्लॉज इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट क्लॉज हैज कंप्लीट सेंस, क्लॉज हैज कंप्लीट मीनिंग, बट फ्रेज डजंट हैव एनी कंप्लीट मीनिंग। क्लॉज की मीनिंग होती है, फ्रेज का कंप्लीट सेंस नहीं होता। कौन से टेंस में है, सब्जेक्ट कहां है, वर्ब कहां है, ये तो अंतर हो गया। यह ध्यान देना, फ्रेज और क्लॉज में कभी कभी कंफ्यूजन होता है। फ्रेज और क्लॉज इनमें समानता क्या है, फ्रेज भी पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, क्लॉज भी पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, फ्रेज भी पीस ऑफ सेंटेंस होता है, क्लॉज भी पीस ऑफ सेंटेंस होता है, फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है,
क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, बट इन लेकिन परंतु क्या परंतु है, क्लॉज में एक कंप्लीट सेंस होता है, एक कंप्लीट मीनिंग होती है। क्लॉज को देख करके आप उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बता सकते हैं, क्लॉज को देख कर आप उसे कौन से टेंस में है कौन से सेंटेंस में बता सकते हैं, बस ये चीज फ्रेज में नहीं मिलती। फ्रेज में मीनिंग क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है। तो आप फ्रेज और क्लॉज बीच रास्ते में पा गए। आइए हम आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं क्या है। यहां पर आपने देखा कि एक सेंटेंस को तोड़ने के बाद में आपको दो क्लॉजेस मिल गए, दो क्लॉज, एक क्लॉज इधर है एक क्लॉज इधर है, ध्यान दिया। अब इसको भूल जाओ, ये सेंटेंस को भूल जाते हैं। तो एक सेंटेंस को तोड़ करके देखिए, फिर लिख देता हूं यहां पर मैं, आई हैव अ पेन, ठीक, और Which is red? यही सेंटेंस हमको मिला था। इस सेंटेंस को तोड़ा तब जाके पता चला इसके दो पार्ट हो गए, और दोनों पार्ट को हम क्या बोले, क्लॉज बोलेंगे। ध्यान ये रखना, यही आई हैव ए पेन या आई हैव ए पेन, ये सेंटेंस आपको अन्यत्र कहीं मिल जाता है, अकेला इकलौता रोड पे नहीं, कई बुक मिल जाता है, तो आप ऐसी कंडीशन उसको क्लॉज नहीं बोलेंगे। क्लॉज कब बोलेंगे, जब आपको पता चल जाए कि इस सेंटेंस का पार्ट है, तब क्लॉज बोलेंगे। अब ध्यान देना, दोनों क्लॉजेस में अंतर क्या है, बता रहा हूं। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, मैं एक कार रखता हूं, ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। अब इसकी जब आप किसी को जाकर बताएंगे, भैया मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार, वो कांग्रेट्स बोलेगा, बधाई देगा आपको, ठीक है आपके पास कार है। लेकिन जब आप इसको जाके बोलेंगे विच इज रेड, सिर्फ किसी को जो कि लाल है, कुछ देर तक सामने वाला आपको ध्यान से देखेगा कि जो लाल है शायद उसके बारे में कुछ बोलेगा, वो पूछेगा क्या हुआ, नहीं जो कि लाल है, वह बंदा कितना भी स्कॉलर क्यों ना हो, आपकी कही गई बात की मीनिंग कभी समझ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यह अपने मीनिंग देने के लिए किसी और पर डिपेंड करता है, किसी और पर आश्रित है। किस पर आश्रित है, ये जो पहले आपने बोला आई हैव ए कार मेरे पास, तो जब तक आप इसको नहीं बोलेंगे तब तक इसकी मीनिंग कभी भी क्लियर होने वाली नहीं है। मतलब अब ये अपनी मीनिंग स्वतः दे रहा है, खुद दे रहा है, ये सेल्फ सफिशियंट है, ठीक है। लेकिन ये अपनी मीनिंग देने के लिए अपने पीछे वाले क्लॉज पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको आप एक नाम देंगे, डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। और चूंकि ये अपनी मीनिंग देने के लिए डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, क्या है ये, इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब आप समझ चुके होंगे, जब किसी कॉम्प्लेक्स को हम ब्रेक करते हैं, जब किसी कॉम्प्लेक्स तोड़ते हैं, उसमें हमें दो क्लॉज मिलते हैं, और उन दो क्लॉज के नाम क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट जो है किसी पर आश्रित नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं मेन क्लॉज, क्या बोलेंगे, मेन क्लॉज, इसी का नाम है। और जो डिपेंडेंट है उसे बोलेंगे सबॉर्डिनेट क्लॉज, सबॉर्डिनेट क्लॉज, ठीक, देख रहे ना, मेन क्लॉज। और जो मेन, जो इंडिपेंडेंट है, जो मेन है, मेन मुखिया है, मुखिया का नाम एक और याद रखना, ये नाम है प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, और इसका सबॉर्डिनेट क्लॉज। अब मुझे पूरा पक्का विश्वास है आप समझ गए होंगे कि मेन क्लॉज और सबॉर्डिनेट क्लॉज क्या है, ठीक, किसके हिस्से है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के है। लेकिन ये समझने के पहले आइए हम कुछ सेंटेंस और देखते हैं, उसके बाद हम बताते हैं क्लॉज के कौन कौन से प्रकार हैं, ठीक। ये देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है, I know that you did not go to Mumbai. आप देखना ध्यान से, I know that, अब ये है
आपका सब्जेक्ट है, क्या है सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, मतलब ये सेंटेंस सिंपल तो नहीं होगा, क्या होगा, ये होगा आपका कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों होगा, क्योंकि सबॉर्डिनेटर यहां पर दैट आया हुआ है। अब इसमें मेन कौन है, सबॉर्डिनेट कौन है, थोड़ा सा छोटा सा पार्ट है, सिंपल सी बात है, किसी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का वह भाग, वह टुकड़ा, वह पीस जो सबॉर्डिनेटिंग से शुरू होता है एक कंप्लीट मीनिंग देने के लिए, उसे आप बोलना सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज। तो यहां पर देखिए सबॉर्डिनेटिंग कौन है, दैट से लेकर के आगे तब तक जाएंगे जब तक इसकी मीनिंग पूरी ना हो जाए। तो दैट यू डिड नॉट गो टू मुंबई, ये आपका हो गया सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज। इसके अलावा जो बचा हुआ है वो क्या होगा, वही जो छूटा हुआ है वो होगा मेन क्लॉज, वो होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज, वो होगा कौन, प्रिंसिपल क्लॉज। कहां है ये, आई नो ये मेन क्लॉज होगा, दैट यू डिड नॉट गो टू मुंबई ये सबॉर्डिनेट होगा। ठीक, अब उसके बाद देखिए सेकंड में, दो सी वाज हैप्पी, अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है पक्का है, लेकिन पता करिए कि इसमें सबॉर्डिनेटर किधर है, सबॉर्डिनेटर आपका है दो, तो ये सेंटेंस सबॉर्डिनेटर आपका जब दिख रहा है ना, यहीं से लेकर के हैप्पी तक का पार्ट जो है आपका हो जाएगा सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज। क्या होगा, सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज, और मेन क्लॉज कहां है, जो बचा हुआ है थर्ड में, क्या बॉयज वेयर रनिंग वेरी फास्ट, यहां पर नहीं बल्कि यहां कॉमन है, बॉयज वेयर रनिंग वेरी फास्ट एज दो समवन, यहां पर समवन कर देता हूं, Someone had chased him. लड़के बहुत तेज भाग रहे थे, मानो कि कोई उन्हें दौड़ा रहा हो, मानो कि, अब ये as though है, तो as though क्या है, सबॉर्डिनेटर है। अब यही शुरू होने वाले पार्ट को आप क्या बोलेंगे, as though someone had chased them, ये हो गया आपका सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज। बाकी बचा क्या है, बॉयज वेयर रनिंग वेरी फास्ट, या तो हो गया मेन क्लॉज। नेक्स्ट देखेंगे पर, राहुल हैज गॉट गुड मार्क्स बिकॉज, ये बिकॉज में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, हाँ ये देखिए, राहुल हैज गॉट गुड मार्क्स बिकॉज ही हैड स्टडीड वेरी हार्ड। अब देखना कहां है सबॉर्डिनेटर, सबॉर्डिनेटर बिकॉज है, आपको लिखा के दिया गया है, बार बार बोलता हूं, अगर नहीं लिखे हैं पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो जरूर देखिए, उसका लिंक नीचे दिया गया है। अब बिकॉज ही हैड स्टडीड वेरी हार्ड, ये आपका सबॉर्डिनेट से शुरू हो रहा है, सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू हो रहा है, सबॉर्डिनेटर से शुरू हो रहा है, इसलिए ये हो जाएगा डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा, सबॉर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा, बाकी जो बचा हुआ है राहुल हैड गॉट गुड मार्क्स, ये आपका मेन क्लॉज हो जाएगा। आई हैव ए पेन व्हिच इज वेरी कॉस्टली, ये देखना ये आप सबॉर्डिनेटर यहां पर है, यहां से लेकर यहां तक हो गया सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज, बचा है आपका आई हैव अ पेन, ये मेन क्लॉज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहां पे, दे हैड एन ओल्ड हाउस दैट वॉज वेरी बिग, अब दैट यहां गया, दैट से लेकर यहां तक हो गया सबॉर्डिनेटिंग, बाद बचा आपका दे हैड एन ओल्ड हाउस मेन क्लॉज। The man who is next to me in the picture is my brother. अब यहां पर the man यहां से who is in next to me in picture, देखना यहां से, अब यहां पर एक बात हमने बता दिया, मैंने क्या बोला सबॉर्डिनेटर से लेकर के सेंटेंस के वहीं तक जाना जहां पर आपको कंप्लीट सेंस मिल जाता है। अब ऐसा नहीं है तो who से लेकर यहां तक आप सबॉर्डिनेट बोलेंगे, तो who से लेकर के पिक्चर तक, Who is next to me in picture? ये है subordinate clause, और the man is my brother. The man यहां पर है, is my brother यहां पर है, ये आपका हो जाएगा main clause. बात समझ में आ गई? Next देखेंगे यहां पे, clause and phrase आपने देख लिया यहां पे, आइए देखते हैं कुछ भाग और। अब अगर यहां पर हम आपको बताना चाहें, देखिए यहां पर मिटा दूं इसको,
देखिए यहां पर है बॉयज सेड दैट दे कुड नॉट गो। ध्यान देना, अब यही थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे जो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगता है। ये आपका हो गया बॉयज सेड, ये आपका हो गया मेन क्लॉज, ठीक है, मेन क्लॉज हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। अब बाकी जो ये भाग बचा है ये आपका होगा सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज, क्यों सबॉर्डिनेट यहां पर है। अब आगे आपको देखना क्या है, जब आपने मेन क्लॉज सबॉर्डिनेट अच्छे समझ लिया देख लिया, अब उसके बाद ये जो सबॉर्डिनेटर होते हैं ना इसके तीन भाग हो जाते हैं। पहला क्या है, नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज। दूसरा क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज। तीसरा क्या है, एडवर्ब क्लॉज। प्रॉब्लम तो यहां आती है एडवर्ब क्लॉज। तो जब आप क्लॉज को पहचान लेते हैं तब आप बताना होता है वो नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। आज मैं क्लॉज को सब तक पहुंचाने के लिए एक बहुत ही शॉर्टेस्ट ट्रिक देने जा रहा हूं, बहुत छोटी ट्रिक देने जा रहा हूं। वो ट्रिक पाने के बाद में आपको कम से कम ये आगे का पोर्शन जो नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब है ये पढ़ने के लिए आपको कम से कम 3-4 घंटे का मटेरियल होता है वो नहीं पढ़ना पड़ेगा। वो मात्र 3-4 घंटे का मटेरियल जो है वो 3-4 मिनट की बात है। कितना, 3-4 मिनट की बात है। कैसे, देखिए अब आप यहां पर आ गए, ये सबॉर्डिनेट हो गया, अब उसमें ये नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ठीक है। वो देखने के लिए आप देखिए कुछ कंजक्शन आप यहां पर याद रखना है। कंजक्शन कौन कौन से हैं देखिए, नंबर एक वेयर, व्हेन, या टाइम का शो करने वाला कोई भी वर्ड, आफ्टर, बिफोर, अर्लियर, टिल, अंटिल, इतने। नेक्स्ट अनलेस, और थर्ड है इफ, फोर्थ है दो और आल्दो, फिफ्थ है बिकॉज, और सिक्स्थ और लास्ट है आपका एज। ध्यान देना, एज आने पर दो चीजें हो सकती हैं, एज की मीनिंग वहां पर आए, जब ऐसा आए तो उसे बोलना एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। क्या बोलोगे, मैं टाइम लिख देता हूं यहां पर, यहां पर मैंने टाइम एज, और एक एज की मीनिंग होती जैसे ही, जैसा कि, तब वहां बोलना मैनर, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। एज है, एज दो है, हाउ है, एज इफ है, इतना आप याद कर लो एडवर्ब है, ये सारे के सारे एडवर्ब है। सिर्फ आपको इन्हीं पर जो टाइम देना हो क्लॉज पढ़ने के लिए, करने के लिए, सिर्फ इन्हीं पे देना, नाउन और एडजेक्टिव के टाइम देने की कोई जरूरत ही नहीं है, पक्का नहीं है। अब देखना, अगर व्हेन वेयर आए तो बोलते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, और व्हेन आए टाइम का कोई वर्ड आए इसे बोलते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। क्लियर है, इफ का बोलते हैं कंडीशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, ठीक है ना, और दो आल्दो को बोलते हैं कंसेशन, कंसेशन एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन, बिकॉज को बोलते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, एज एज दो, हाउ, एज इफ, इसको बोलते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। तो इतनी चीजें आप एडवर्ब बारे में कंफर्म कर लीजिए, बहुत थोड़ा टाइम लगेगा। और नाउन और एडजेक्टिव के बारे में मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, वो मात्र 4 मिनट बोला था ना, 1 मिनट का है, 30 सेकंड का है, चुटकी का है। वो ट्रिक
देखने के बाद में आप किसी भी क्लॉज को आसानी से बता सकते हैं, पहचान सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। आपने एडवर्ब का इस्तेमाल करना, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि आपके बड़ा काम आने वाला है। नेक्स्ट देखेंगे एक सेंटेंस यहां पर, आई हैव ओनली टू पेंस बिकॉज I lost one other, माने उसके पास में तीन पेन नहीं होगी और उसके पास लेकिन दो पेन है क्योंकि उसने एक पेन गुमा दिए। अब ध्यान देना, I have only two pen because, अब because आ गया, because से लेकर कि यहां तक आपका सबॉर्डिनेट हो गया और अभी अभी आप लिस्ट देख कर आ रहे हैं जिसका स्क्रीनशॉट आपने लिया है उसमें because दिया गया था। because क्या है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन ना, आपने एडवर्ब क्लॉज का पूरा पढ़ लिया है। अब अगर मान लीजिए आपने जो वहां स्क्रीनशॉट लिया है, जो याद किया एडवर्ब का, वो ना आए तो क्या करेंगे? वेरी सिंपल, देखिए बताता हूं। ये एडवर्ब क्लॉज हो गया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन हो गया। नेक्स्ट देखिए, या आई नो दैट यू कैन नॉट कम, एक दूसरा She had a pen which was red. I know the man who is नेक्स्ट टू यू। चल अब इसमें देखिए, यहां दैट है, आपने सबॉर्डिनेटिव क्लॉज में नहीं पढ़ा, ठीक। यहां पर विच है, ये भी उसमें नहीं था। यहां पर हु है, ये भी उसमें नहीं था। अब जब ये चीजें वहां पर नहीं है, मतलब ये एडवर्ब क्लॉज होने वाला नहीं है, ये तब क्या होगा? ये होगा या तो नाउन या तो एडजेक्टिव। क्या क्या होगा? नाउन या तो एडजेक्टिव, ठीक है। अब ये पहचानने के लिए वेरी सिंपल तरीका है इसका, बहुत सिंपल ट्रिक है। आई नो दैट यू कैन नॉट कम, जब आप इंग्लिश पढ़ने गए हैं इतना जानते होंगे, इस सेंटेंस की आप हिंदी मीनिंग निकालिए, इन हिंदी बोल करके क्या होगा? पहले ध्यान रखना, पहले ये कंफर्म कर लेना कहीं एडवर्ब नहीं है, एडवर्ब न होगा तब ये ट्रिक अपनाना। I know that you cannot come. मैं जानता हूं कि तुम नहीं आ सकते, मैं जानता हूं कि तुम नहीं आ सकते। अब ध्यान देना यहां पे, ये जो कंजक्शन है इसकी मीनिंग या तो क से आएगी या तो ज से आएगी, इसे क या ज से। अगर इसकी मीनिंग, इसका उच्चारण, इसका प्रोनाउंसिएशन क से आए, बिंदास बोल, भैया नाउन क्लॉज है ये, क्या है? नाउन क्लॉज। और अगर जैसे आ गया तो कंफर्म है एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। तो ये तरीका आपका सुपर तरीका है क्लॉज पहचानने का। कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले आप एडवर्ब क्लॉज को थोड़ा कैटेगराइज कर लो, अलग कर लो, उसको अलग से ट्रीटमेंट देना। और जब एडवर्ब क्लॉज ना हो यहां पे, तब आकर के आप क और ज का नियम लगाते हुए तुरंत बोल सकते हो भैया ये नाउन क्लॉज है कि एडजेक्टिव क्लॉज है। देना, शी हैड अ पेन व्हिच इज रेड, व्हिच वाज रेड, उसके पास एक पेन थी जो कि लाल थी। और याद रखना, जब आप इसकी हिंदी में निकालेंगे ना तो क या ज ही आने वाला है। अगर आप चाहें क को ज, ज को क बना के बोलना, बोल नहीं सकते, बनेगा नहीं, आपको ही और लगेगा। लेकिन ध्यान रखना, एडवर्ब को पहले कंफर्म कर लेना,
एडवर्ब कंफर्म होने के बाद में तब एडजेक्टिव और नाउन में जाना। देखिए, शी हैड ए पेन व्हिच वाज रेड, उसके पास एक पेन थी जो कि लाल थी, जो कि लाल थी, जो कि लाल थी, क्या हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। आई नो द मैन हु इज नेक्स्ट टू यू, मैं उस आदमी को जानता हूं जो तुम्हारे बगल में है, जो तुम्हारे बगल में है। ये देखिए जो आ गया, क्या हुआ है, एडजेक्टिव क्लॉज। इस प्रकार से लेकर के आइए हम स्टार्टिंग से जितने भी यहां सेंटेंस लिखे हैं सबको कंफर्म कर लेते हैं, एक बार हो जाएगा। नेक्स्ट पारा है यहां पे जो जो कॉम्प्लेक्स होगा, ये तो आपका सिंपल है छोड़ दो, ये कंपाउंड है छोड़ दो, ये कॉम्प्लेक्स है। आई नो द मैन हु वाज वेरी क्लेवर, अब हु है सब, ये तो आपका एडवर्ब तो होगा नहीं, ये होगा नाउन या तो एडजेक्टिव। देखते हैं, मैं उस आदमी को जानता हूं जो कि बहुत चालाक था, अब जहां गया एडजेक्टिव क्लॉज। पूजा वुड ड्राइव ए कार व्हेन शी वाज वेरी यंग, अब व्हेन आ गया, व्हेन क्या है, आपने देखा था एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, ये है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। नेक्स्ट है नीरज वेंट टू स्कूल एंड, ये तो कंपाउंड है आप जानते हैं, छोड़ दीजिए। बॉयज आर वेरी हैप्पी विद देयर रिजल्ट, ये भी आपका सिंपल है, इसको आप देखना नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, एज सून एज आई कॉल्ड हिम ही केम एट वंस, एज सून एज, एज आ गया ना, और एज सून एज क्या है, टाइम है यहां पे, तो एज सून एज टाइम है, टाइम मतलब एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, आपका इतना हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, बाकी जो बचा है मेन पार्ट हो गया। नेक्स्ट है यू डिड नॉट कम टू स्कूल, सिंपल है छोड़ दो। दो सी वॉज वेरी फास्ट, सी मिस द ट्रेन, ये है आपका सबॉर्डिनेटर, और दो लिखा के दिया है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन, ये हो गया आपका। नेक्स्ट आई वॉज स्टडीइंग व्हेन ही केम टू मी, व्हेन आ गया, व्हेन आ गया तो पक्का आप समझ लीजिए क्या हो जाएगी, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। तो इस प्रकार से आपने क्लॉज को समझ लिया। हाँ, और डीप स्टडी के लिए ये आपके स्कूल एग्जाम के लिए बहुत ही सुपर और बहुत फास्ट ट्रिक है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। रीजन क्या होता है, अब इतना पढ़ने के बाद में और बड़े आप जितनी ब्रूज पढ़ना पढ़िए, ठीक है, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत ही आसान, बहुत आसानी से आपको आने वाला, समझ में आने वाला है। इसका करने वाला आपको सिर्फ एक काम ये करना है कि आप अपने टेक्स्ट बुक में जाइए, आप क्वेश्चन पेपर उठाइए, जितने भी क्लॉज का क्वेश्चन मिले उसको देखिए उठा करके कि क्या आपको जो नियम आपने पढ़ा है उससे कर पाते हैं क्या। अगर कोई सेंटेंस में प्रॉब्लम है आप निसंदेह उसे उठा कर दे सकते हैं। और एक लास्ट में और देख लीजिए चलते चलते एक प्लास्टिक, वर्ब के बाद आने वाला कोई भी क्लॉज नाउन क्लॉज ही होता है, ये कंफर्म कर लो। अच्छा, वर्ब के बाद क्लॉज आएगा तब वहां एडवर्ब का तरीका नहीं देखेंगे, जय और क नहीं देखेंगे, सीधा बोलेंगे कि वर्ब बाद आने वाला क्लॉज हमेशा क्या आता है, नाउन क्लॉज होता है। आई नो दैट, मैं जानता हूं कि ठीक, अगर वह एडवर्ब नहीं है तो। दोस्तों ये रहा आपके सामने आपका वीडियो जिसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत छोटे में बहुत सिंपल में है, और वीडियो के लिए आपके कमेंट का, आपके सेशन का, आपकी सलाह का मुझे भरपूर बेसब्री से इंतजार है। अब मैं वेट कर रहा हूं कि कौन किस प्रकार का सेशन देता है ताकि आप आपके लिए बनाई गई वीडियो में और भी इंप्रूवमेंट किया जा सके। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही जानकारी वाली ग्रामेटिकल चीजों के साथ।